हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW डायनामाइट शो का प्रीव्यू। और गाइस, हम जानने वाले हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है, जिसके साथ ही इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल भी है। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW डायनामाइट शो का प्रीव्यू। तो गाइज, कल के डायनामाइट शो के लिए भी AEW ने कई सारे मैचेस पहले से ही एडवर्टाइज कर दिए हैं। और गाइज, जो सबसे पहला मैच AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच, जहां पर क्यूटी मार्शल बिली गन को फेस करने वाले हैं। और गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज, अगर आपने हमारे एप्लीकेशन के ऊपर AEW डार्क एलिवेशन शो के रिजल्ट्स पढ़े हैं, तो गाइज आपको पता होगा कि इस वीक के AEW डार्क एलिवेशन शो के ऊपर हमें बिली गन के बेटे ऑस्टन गन और आयरन सोलो के बीच में एक मैच देखने को मिला था, जो मैच तो काफी बढ़िया रहा। और गाइज, इस मैच के आखिर में ऑस्टन गन ने आयरन सोलो को इस मैच में हरा दिया है, जिसके बाद ऑस्टन गन का AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर एक बैकस्टेज इंटरव्यू भी हुआ। पर इस इंटरव्यू के दौरान ऑस्टन गन काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, इसलिए यहाँ पर इंटरव्यू उनके फादर बिली गन ने टेक ओवर किया, जिसके बाद यहाँ पर बिली गन बातें कर रहे थे कि किस तरीके से क्यूटी मार्शल ने नाइटमेयर फैमिली को धोखा दे दिया है और अब बिली गन भी क्यूटी मार्शल से उतना ज्यादा खुश नहीं है। तो इसी बीच यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने बिली गन को इंटरप्ट कर दिया और यहाँ पर आकर क्यूटी मार्शल ने बिली गन से बात करते हुए कहा कि गाइज, क्यूटी मार्शल सिर्फ नाइटमेयर फैमिली के खिलाफ है, ना कि गन क्लब के खिलाफ, इसीलिए क्यूटी मार्शल और गन क्लब के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। पर बिली गन यहाँ पर क्यूटी मार्शल की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और यहाँ पर बिली गन का कहना था कि नाइटमेयर फैमिली और गन क्लब ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। जो बात सुनते ही क्यूटी मार्शल ने बिली गन के ऊपर अटैक कर दिया और इसी बैक स्टोरी के साथ AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ये मैच ऑफिशियल कर दिया है, इसीलिए आपको इस तरीके की बैक स्टोरी अपने आप समझ में आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गाइज, आप AEW डार्क एलिवेशन के शोज देखा करें, पर अगर आप AEW डार्क एलिवेशन का पूरा शो नहीं देखना चाहते, तो गाइज आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर डार्क एलिवेशन शो के रिजल्ट्स भी पढ़ सकते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच AEW ने क्यूटी मार्शल को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखाने के लिए बुक किया है, इसीलिए हमें इस मैच के अंदर क्यूटी मार्शल काफी ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हमें यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि अपने 50s के अंदर बिली गन किस तरीके से रेसल करते हैं। लेकिन गाइज, जहाँ तक बात है इस मैच के विनर की, तो मुझे लगता है कि इस मैच के आखिर में क्यूटी मार्शल बिली गन को इस मैच में हराने वाले हैं, क्योंकि गाइज आगे चलकर क्यूटी मार्शल का AEW के डायनामाइट शो के ऊपर काफी ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, जिस वजह से हमें प्रोबेबली इस मैच के अंदर क्यूटी मार्शल बिली गन को हराते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज, अगला मैच जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच, जहां पर बेस्ट फ्रेंड्स के ट्रेंट डेथ ट्रायंगल के पेंटाइल जीरो यम को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने ये मैच अपने डायनामाइट शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर फिर भी मुझे लगता है कि हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है। और वैसे भी हमने देखा था कि गाइज कुछ दिन पहले बेस्ट फ्रेंड्स डेथ ट्रायंगल से अपना बदला लेना चाहते थे, तो क्या पता ये मैच बेस्ट फ्रेंड्स वर्सेस डेथ ट्रायंगल इस फ्यूड की शुरुआत करे। पर गाइज, जहां तक बात है स्पेसिफिक मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी बढ़िया रेसलिंग मैच हो सकता है, क्योंकि गाइज इस मैच में तो कोई स्टोरी नहीं रहने वाली, तो यहां पर इन रेसलर्स को एक काफी बढ़िया मैच डिलीवर करना पड़ेगा जिससे कि फैंस इस मैच को याद रखे। पर गाइज, जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो मुझे लगता है कि ट्रेंट ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि गाइज हाल ही में ट्रेंट एक इंजुरी से रिकवर हुए हैं और अपने इंजुरी से रिकवर करने के बाद ये ट्रेंट का पहला मैच होने वाला है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ट्रेंट किस तरीके से रेसल करते हैं। पर ये ट्रेंट का AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रिटर्निंग मैच है, इसीलिए गाइज मुझे लगता है कि ट्रेंट ये मैच जीतने वाले हैं। पर गाइज, अगली चीज जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो है द पिनकल का AEW के डायनामाइट शो के ऊपर इंटरव्यू। और गाइज, इस वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर जिम रॉस द पिनकल का इंटरव्यू लेने वाले हैं और प्रोबेबली हमें इस इंटरव्यू के अंदर द पिनकल उनके आने वाले इनर सर्कल के खिलाफ के ब्लड एंड गट्स मैच के बारे में बात करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज, अगला मैच जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच, जहां पर रिकी स्टार्क्स एडम पेज को फेस करने वाले हैं।
और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज वैसे तो इस मैच को कोई बैक स्टोरी नहीं है, लेकिन AEW ने इस मैच के लिए काफी बढ़िया स्टोरी बिल्ड की है कि गाइज अब तक एडम हैंगमैन पेज और रिकी स्टार्स उनके पिछले करीब करीब 10 मैचेस में अनडिफिटेड है, तो यहाँ पर इन दोनों ही रेसलर्स की एक काफी तगड़ी विनिंग स्ट्रीक चलती हुई आ रही है। तो गाइज यहाँ पर AEW देखना चाहते हैं कि अपने पिछले करीब करीब 10 मैचेस में अनडिफिटेड रहने के बाद जब ये दोनों ही सुपरस्टार्स इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आमने सामने आते हैं, तो गाइज यहाँ पर अल्टीमेट विनर कौन बनता है। जिस स्टोरी के साथ हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है, और ये रिकी स्टार्स का काफी दिनों बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक सिंगल्स मैच है। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइज मुझे लगता है कि एडम पेज ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि गाइज आगे चलकर एडम पेज AEW कंपनी के एक टॉप स्टार बनने वाले हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि यहां पर इस मैच में एडम पेज का जीतना सही है। पर गाइज अगला मैच जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, और गाइज यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स क्रिश्चियन केज को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर देखा था कि टैज क्रिश्चियन केज से अपना जवाब मांग रहे थे कि क्या क्रिश्चियन केज टीम टैज ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, जिसके ऊपर क्रिश्चियन केज ने टीम टैज ज्वाइन करने से मना कर दिया था, जिसके चलते पावर हाउस हॉब्स ने क्रिश्चियन केज के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया था, और इसी वजह से हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज और पावर हाउस हॉब्स के बीच में ये मैच देखने को मिलने वाला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक डिसेंट मैच हो सकता है, और हमें प्रॉबेबली इस मैच के अंदर शुरुआत से लेकर आखिर तक पावर हाउस हॉब्स से डोमिनेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और फिर एक बार यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस मैच में क्रिश्चियन केज की परफॉर्मेंस कैसी होती है, और क्या इस मैच में अपनी परफॉर्मेंस के चलते क्रिश्चियन केज विल हॉब्स को ओवर दिखा सकते हैं या नहीं। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइज मुझे लगता है कि क्रिश्चियन केज ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में क्रिश्चियन केज AEW कंपनी के अंदर सभी को आउटवर्क करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर AEW क्रिश्चियन केज को काफी अच्छी तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्रिश्चियन केज ये मैच जीतने वाले हैं। पर गाइज अगली चीज जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो है टोनी शिवानी के साथ इनर सर्कल का एक सिट डाउन इंटरव्यू। और गाइज हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जहां पर एक तरफ जिम रॉस का पिनिकल के साथ एक सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिलने वाला है, तो वही हमें दूसरी तरफ इनर सर्कल का टोनी शिवानी के साथ एक सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिलने वाला है। जिस तरीके से मुझे लगता है कि AEW मई 5 को होने वाले उनके डायनामाइट स्पेशल शो ब्लड एंड गट्स को प्रमोट करना चाहती है, तो गाइज देखना पड़ेगा कि इस इंटरव्यू के अंदर हमें इनर सर्कल की तरफ से क्या क्या बातें सुनने को मिलती है। पर गाइज अगले मैचेस जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं, वो दोनों ही AEW के चैंपियनशिप मैचेस हैं। और गाइज इन दोनों मैचेस में से पहले मैच में AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर टाई कॉन्टी के अगेंस्ट डिफेंड करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज स्पेसिफिकली तो इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, लेकिन काफी देर से टाई कॉन्टी AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 के पोजीशन के ऊपर बनी हुई थी, इसीलिए ही गाइज यहां पर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टाई कॉन्टी को हिकारू शिडा की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है। और जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज यहां पर इस मैच के अंदर हिकारू शिडा और टाई कॉन्टी कोई राइवल्स की तरह नहीं, बल्कि दो फ्रेंड्स जो कि किसी प्राइज के लिए लड़ रहे हैं उसी तरीके से फाइट करने वाली है। तो गाइज देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है, और हमें इस मैच के अंदर इन दोनों ही रेसलर्स की तरफ से किस तरीके की रेसलिंग देखने को मिलती है। पर हाल फिलहाल में इन दोनों ही सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइज ये मैच भी AEW के विमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया मैच हो सकता है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि टाई कॉन्टी इस मैच के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी शॉर्ट पड़ने वाली है, और इसी का फायदा उठाकर हिकारू शिडा ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि माना कि फिलहाल में टाई कॉन्टी की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाई कॉन्टी इतनी जल्दी इतनी बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है जो कि AEW के विमेंस डिवीजन को अपने कंधे के ऊपर संभाल सकती है, इसीलिए मुझे लगता है कि हिकारू शिडा ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि आगे चलकर हिकारू शिडा को डिफीट करने के लिए AEW दूसरी तरफ एक काफी बड़ा फोर्स बिल्ड कर रही है। पर गाइज जो आखिरी मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज कर दिया है, जो कि प्रॉबेबली इस वीक के डायनामाइट शो का मेन इवेंट भी हो सकता है, वो है AEW के TNT चैंपियनशिप के लिए AEW TNT चैंपियन डार्बी एलन वर्सेस चैलेंजर जंगल बॉय के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जिस मैच से आप समझ सकते हैं कि गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो के लिए AEW ने एक भी टैग टीम मैच ऑफिशियल नहीं किया है,
और गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW की तरफ से सभी सिंगल्स वन ऑन वन मैचेस ही देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज फिर एक बार स्पेसिफिकली इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जंगल बॉय AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर काफी देर से टॉप 5 सुपरस्टार्स के अंदर है। और हाल फिलहाल में AEW डार्क और AEW डार्क एलिवेशन शो के ऊपर जंगल बॉय की परफॉर्मेंस भी काफी देखने लायक है। इसीलिए ही गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय को दोबारा से TNT चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है, क्योंकि गाइज इससे पहले भी जब जंगल बॉय को दो बार TNT चैंपियनशिप के लिए मौका मिला है तब जंगल बॉय किसी न किसी वजह से TNT चैंपियन नहीं बन पाए थे। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जब जंगल बॉय डार्बी आयलन को फेस करते हैं तो गाइज इस मैच में जंगल बॉय की परफॉर्मेंस कैसी होती है, और क्या हमें हर बार की तरह ही इस मैच में भी डार्बी आयलन अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर गाइज इतने सारे मैचेस से आप ये समझ ही सकते हैं कि गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने मेनली अपने सभी फ्यूचर स्टार्स को बुक किया है। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक का डायनामाइट शो कैसा होता है। पर इस मैच का विनर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज मैंने हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एक पोल खड़ा कर दिया है, जहां पर जाकर आप वोट कर सकते हैं कि गाइज आप इस वीक के डायनामाइट शो का कौन सा मैच हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर देखना चाहते हैं। और हाँ, वहां पर मैं मैक्सिमम 5 ही वोट्स डाल सकता था, इसीलिए मैंने वहां पर AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच इंक्लूड नहीं किया। पर उस पोल के अंदर डार्बी आयलन और जंगल बॉय का मैच जीत चुका है, तो मैंने फिर एक बार हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर AEW के TNT चैंपियनशिप और AEW के विमेंस चैंपियनशिप मैच का पोल खड़ा कर दिया है। तो आप उस पोल के ऊपर जाकर भी वोट कर मुझे बता सकते हैं कि गाइज आप उन दोनों चैंपियनशिप मैचेस में से कौन सा मैच हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देखना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं यहां पर आपको सभी मैचेस का ऑप्शन देना चाहता हूं। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइज मुझे लगता है कि हमें ये मैच एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस मैच के आखिर में हमें डार्बी आयलन अपनी TNT चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने अपने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। लेकिन गाइज हमें इसके अलावा भी कल के डायनामाइट शो के ऊपर काफी सारी चीजें देखनी है कि कल के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा और यंग बक्स का क्या रोल रहता है, कि क्या हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर नाइटमेयर फैक्ट्री का रिटर्न देखने को मिलता है या नहीं, जो सभी बातें आपको कल का डायनामाइट शो देखने के बाद ही पता चलने वाली है। और गाइज कल का डायनामाइट शो लाइव चलने के दौरान मैं हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर आपको सभी अपडेट्स देने वाला हूँ। तो गाइज ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, और कल हमारे चैनल के ऊपर आने वाला AEW डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो भी चेकआउट करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?